वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड माई नेम इज़ नीलेश राजपूत। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 18 वीज़ा में क्या अच्छा होता है और 18 वीज़ा हमें कुवैत में लेके क्यों आना चाहिए और 18 वीज़ा और 20 वीज़ा में क्या डिफरेंट है। ओके, तो सो गाइस, 18 जो वीज़ा होता है ये एक वर्क वीज़ा होता है। जो वर्क वीज़ा जो होता है वो 18 वीज़ा को कहा जाता है। मतलब 18 वीज़ा अगर आपके पास है तो आप कोई भी कंपनी में आप काम कर सकते हो। ओके, तो अगर हमें आज़ाद वीज़ा लेके अगर इंडिया से अगर हमें कुवैत के अंदर आना है, ओके, तो हमें कौन सा वीज़ा लेके आना चाहिए, मतलब वीज़ा 20 लाना चाहिए कि वीज़ा 18 लाना चाहिए। ओके, तो गाइस मैं आपको पहली बात एक क्लियर कर देता हूँ, जो 18 वीज़ा होता है, अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके अगर आप कुवैत के अंदर आते हो, ओके, तो आपको 18 वीज़ा लेना है, क्योंकि 18 जो वीज़ा होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आप 18 वीज़ा लेके कुवैत के अंदर आते हो तो आप आज़ाद होके पूरी कुवैत में आप कहीं भी काम कर सकते हो, आप एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। ओके, तो कुवैत के अंदर ऐसी बहुत सारी जो कंपनी है जहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी पे करती है अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो। ओके, अगर जैसे कि इंडिया के अंदर इंटरव्यू होती है, बहुत सारी एजेंसियों में इंटरव्यू होती है, वहाँ पे जो क्लाइंट्स होती है काम ऑफिस में आती है और वहाँ पे इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू लेने के बाद आपको कंपनी आपको वर्क वीज़ा देती है, तो वो जो वीज़ा होता है 18 वीज़ा जो वर्क वीज़ा मिलता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वीज़ा मिलता है। मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मतलब इतने सैलरी में आपका मतलब जॉब फिक्स होता है कि आप जब कुवैत में आओगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगा और इतने में आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो वो जो वीज़ा होता है एक डिफरेंट होता है। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके अगर आप आना चाहते हो तो आपको 18 वीज़ा लेना है, आज़ाद वीज़ा कुवैत में काम करने के लिए। तो आज़ाद वीज़ा जो होता है, अगर आप मतलब खुद ऑन बाय अगर आज़ाद वीज़ा आप लेते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, और अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके कुवैत के अंदर आते हो तो आपको कोई भी प्रकार की आपको स्किल होना चाहिए या आपके पास कोई प्रकार का ट्रेड होना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट है कुवैत के अंदर काम करने के लिए आज़ाद वीज़ा में। ओके, क्योंकि आज़ाद वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आप जब 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जब आप खर्चा करके कुवैत के अंदर अगर आप आते हो, ओके, तो मतलब आपके पास कोई चीज़ का आपको ट्रेड होना चाहिए, मतलब कोई चीज़ का पास आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे आप अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, तभी आपको एक अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। ओके, तो आज़ाद वीज़ा के अंदर क्या होता है कि मतलब आप एक किसी के मतलब रूल्स एंड कंडीशन में आप नहीं रहते हो, आप एक आज़ाद रहते हो, आपको जो भी काम करना है, मतलब आप मान लीजिए आपने 6 महीना एक जगह काम किया, अगर आपको वहाँ पे पसंद नहीं है, दूसरे जगह आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप वहाँ भी जाके आप काम कर सकते हो। ओके, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता, इसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं। और जो वर्क वीज़ा जो होता है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वीज़ा होता है, जैसे कि जो कंपनी के द्वारा मिलता है जो वीज़ा, जैसे कि मान लीजिए मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे वीज़ा मिल गया, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेस में आके जब काम करूँगा तो मैं कहीं भी यहाँ पे खली बली होके काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे आप आते हो कुवैत के अंदर तो मतलब जब आप एंट्री करते हो तभी आपका पासपोर्ट है वहाँ पे जमा हो जाता है, मतलब एयरपोर्ट पे ही जमा हो जाता है, तो इसके लिए आप कहीं भी भाग के काम नहीं कर सकते हो। ओके, तो डैट इज़ फॉर डिफरेंट आज़ाद वीज़ा एंड लाइक कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा। ओके, और वीज़ा 20 जो होता है, वीज़ा 20 उसे कहा जाता है, जैसे कि जो हाउस ड्राइवर में काम करते हैं और जो हाउस मतलब जो कपिल्स होते हैं वो वीज़ा दे देते हैं हाउस ड्राइवर के लिए। तो हाउस ड्राइवर में क्या होता है कि मतलब मैं आपको यही सलाह दूंगा, तो हाउस मतलब वीज़ा 20 लेके आपको मतलब कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि वीज़ा 20 जो होता है आप मतलब वीज़ा 20 लेके आप कहीं भी बाहर काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास वीज़ा 20 है, ओके, तो आप वीज़ा 20 जो है ना, आप खाली वो वीज़ा को आप खाली हाउस काम के लिए आए हो, हाउस ड्राइवर के लिए आए हो, तो आपको खाली हाउस ड्राइवर में ही आपको काम मिलेगा। अगर आप वीज़ा 20 लेके आप बाहर कहीं भी जाके कोई डिफरेंट कैटेगरी का अगर आप काम करते हो, तो अगर आप चेकिंग में अगर पकड़े जाते हो तो यहाँ पे आपके साथ बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मतलब जेल भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो वीज़ा का जो कैटेगरी है डैट इज़ फॉर डिफरेंट। मतलब आप एक वीज़ा 20 एक हाउस ड्राइवर जॉब के लिए आते हो तो वो हाउस ड्राइवर का जॉब होता है वो डिफरेंट होता है, वर्क वीज़ा जो कंपनी का जो वीज़ा होता है वो डिफरेंट होता है। तो मतलब वीज़ा 20 और वीज़ा 18 में बहुत डिफरेंट है। तो गाइस मतलब अगर आप कुवैत के अंदर अगर आप जॉब करने के लिए देख रहे हो, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हो, ओके, तो आपको वीज़ा 18 लेके आना है।
आप 18 वीज़ा लेकर आओगे तो आपको कोई भी कंपनी के अंदर आपको काम मिल जाएगा, यहाँ पे अच्छा खासा आप काम कर सकते हो। चलो मान लो अगर आपको वीज़ा 20 मिल जाता है, कोई आपका फ्रेंड्स है, अगर कोई कपिल कोई किसी के पास काम करता है आपको वीज़ा भेज भी देता है, ओके, तो आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आप काम कर सकते हो, बाकी ये आप इतना समझ लीजिए कि वीज़ा 20 अगर आपके पास है तो वीज़ा 20 है तो आप घर खाता में ही काम कर सकते हो, आप बाहर कोई भी मॉल और कोई भी कंपनी में आप जाके जॉब नहीं कर सकते, ओके। तो ये छोटा सा एक मतलब इन्फॉर्मेशन था तो मैं बोला आप लोग के बीच में शेयर कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को भी दबा दो, तो मैं जो वीडियो बनाऊँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ओके।